समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने देश के प्रमुख नेताओं जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और फारूक अब्दुल्ला के साथ बातचीत भी की, लेकिन इस समारोह में सबसे ज्यादा चर्चा अदिति यादव की हुई, जो अपने पिता के साथ थी। उन्होंने अपने भाई अर्जुन के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया और अखिलेश यादव ने क्षण की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की, जिससे उनकी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित हुआ। इस कार्यक्रम में अदिति की उपस्थिति ने राजनीतिक चर्चाएं और अधिक बढ़ा दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हाल ही में एक फोटो शेयर की, जिसमें उनकी बेटी अदिति यादव और बेटा अर्जुन यादव उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। यह अदिति का किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का दूसरा मौका है। इस तस्वीर ने इस बात को और बल दे दिया है कि मुलायम परिवार की चौथी पीढ़ी भी राजनीति में सक्रिय होने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अदिति ने अपनी मां डिंपल यादव के लिए मैनपुरी में घर घर जाकर सभाएं भी की थी और वोट मांगने का कार्य भी किया था। उन्हें पहली बार मैनपुरी में कुसुमुरा में डिंपल यादव की सभा में दिखाई दिया गया, जहां वह महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर भाषण सुन रही थी। जब डिंपल यादव इस बारे में पूछा गया कि क्या यह संकेत है कि मुलायम सिंह यादव की अगली पीढ़ी राजनीति में आ रही है, तो उन्होंने कहा कि सभी को चुनावी अनुभव लेना चाहिए। यदि बच्चे छुट्टियों में घर आते हैं तो उन्हें चुनावी उत्सव का अनुभव कराना चाहिए। अदिति यादव ने चुनाव प्रचार में उतरने को लेकर समाजवादी पार्टी के दिग्गज कई मायने निकाल रहे हैं। उन्हें अखिलेश यादव के उत्तराधिकारी और भविष्य में सपा के सीएम चेहरे के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जा रहा है। युवा होने के नाते अदिति युवाओं से जुड़े मुद्दों को अच्छे से समझती हैं और लोगों के बीच जाकर साझा भी कर रही हैं। ऐसे में सपा को आगे जाकर युवा वोटर्स से जुड़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता रहे की सपा परिवार से मुलायम सिंह यादव नेताजी ने सियासत में पहला कदम रखा था। इसके बाद भाई शिवपाल यादव और प्रो राम गोपाल यादव भी राजनीति में आए। फिर नंबर आया दूसरी पीढ़ी यानी कि अखिलेश यादव और धर्मेंद्र यादव का। उसके बाद बहू डिंपल ने भी राजनीति में एंट्री ली। मुलायम की तीसरी पीढ़ी के रूप में तेज प्रताप आए। उन्होंने मुलायम सिंह यादव सीट छोड़ने के बाद मैनपुरी उपचुनाव जीता और संसद पहुंचे। 21 वर्ष अदिति यादव दिग्गज सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं। अदिति यादव अखिलेश यादव डिंपल की बेटी हैं और उनसे जुड़वा भाई बहन है। बता दें उन्होंने लखनऊ के मशहूर लॉ मॉनिटर कॉलेज से स्कूलिंग किया। 2020 में अदिति ने 12वीं का एग्जाम 98% से पास किया है। अब मौजूदा समय में अदिति यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन UCL में पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन की पढ़ाई कर रही हैं। जानकारों के मुताबिक अदिति को बैडमिंटन और घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग का भी बेहद अधिक शौक है। तो फिलहाल अब ये मायने निकाले जा रहे हैं कि शायद इनकी चौथी पीढ़ी भी जो है वो राजनीति में उतर सकती है। हालांकि इसमें साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।